ठीक है, जैसे हम लोग ये कह रहे थे कि जब बॉडी सिर्फ रोटेट करे, ट्रांसलेट भी नहीं कर रही है और कंबाइंड मोशन भी नहीं है, सिर्फ रोटेशन है, प्योर रोटेशन जिसको बोल सकते हो कि ओनली रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका था कि अगर उस ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई एक पार्टिकल अगर आप चूज कर लो, उस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई एक पार्टिकल देखोगे जिसका एक्सिस से, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, अगर उस एक्सिस से वो आर डिस्टेंस पे हो, कोई भी डिस्टेंस, तो उसकी जो लीनियर स्पीड होती है, मतलब जो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अराउंड जो उस पार्टिकल की आप स्पीड डिफाइन करते हो, उसकी लीनियर स्पीड, ये इस बॉडी की रोटेट करने वाली स्पीड ओमेगा के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है बाय फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हम इसी को कंसिडर करके क्या कर रहे हैं, इस डिस्क पर या कोई भी ऑब्जेक्ट मान करके हमने क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक अपना रैंडमली एक आईएथ पार्टिकल चूज किया, कोई एक आईएथ पार्टिकल, और हमने ये कह दिया कि इस आईएथ पार्टिकल का मास जो होगा वो एम इंटू आई होगा, एम आई, और इसके डिस्टेंस को हम लोगों ने फ्रॉम द एक्सिस डिनोट किया आर ऑफ आई से, आर आई से। अब हम लोग इसकी जो लीनियर स्पीड होगी, मतलब स्पीड ऑफ दिस आईएथ पार्टिकल, अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालना चाहें या इसको कैलकुलेट करना चाहें, तो ये ओमेगा से कैलकुलेट करते हो, और इसको निकालने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे आप डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, ओमेगा इनटू आर आई। ठीक, ये कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब यस सर, हाँ, तो अब इस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इस आईएथ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला आप लगाओगे 1/2 m इनटू m ऑफ आईएथ पार्टिकल एम आई इनटू ओमेगा आर आई एच जो स्पीड ऑफ आईएथ पार्टिकल है उसका स्क्वायर करोगे, यानी कि इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ दिस आईएथ पार्टिकल, और वी ऑफ आईएथ पार्टिकल को लिखोगे आप आर ऑफ आईएथ पार्टिकल इनटू ओमेगा और इसका स्क्वायर कर दोगे, ये बेसिकली कंसेप्ट लगाओगे। अब एक्चुअली जो बॉडी होती है, किसी भी बॉडी को अगर आप बात करो जैसे कि, तो बॉडी का मतलब तो कई सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन, मतलब मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अ बॉडी मीन्स कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें अगर आपसे कोई कहे कि भाई जो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला है, पहली बात आप ये ध्यान रखना है कि मैकेनिक्स में हाफ एम इंटू वी स्क्वायर से आप जो डेफिनेशन देती हो, ये डेफिनेशन ही है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, मतलब जिसका साइज नेग्लिजिबल हो। जीरो डायमेंशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए पार्टिकल, उनको पार्टिकल कहते हो, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हो हाफ एम वी स्क्वायर से। और बॉडी का मतलब जिसमें कुछ डायमेंशन होगी, कुछ रेडियस होगा, कुछ लेंथ होगी, कुछ सरफेस एरिया होगा, कुछ वॉल्यूम होगी, कुछ ना कुछ उसमें होगा, तो उसमें आप मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हो, कई सारे पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे आपके, मिलियन बिलियन पार्टिकल्स कह सकते हो। तो उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक स्पेसिफिक पार्टिकल हम लोगों ने आपको दिखाया आईएथ पार्टिकल, इस तरीके से इस बॉडी में आप और भी कई सारे पार्टिकल्स मान सकते हो, लेकिन कुछ पार्टिकल्स एक्सिस के काफी क्लोज होंगे, कुछ पार्टिकल एक्सिस से दूर होंगे। दैट मीन्स कि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए ये जो आर का टर्म देखोगे वो सबके लिए अलग अलग आएगा। प्रीवियस क्लास में ये भी मैंने कहा था कि अगर आप आईएथ पार्टिकल की जगह मान लो कोई पीएथ पार्टिकल चूज कर लो इसमें, जिसका डिस्टेंस आरपी से डिनोट कर दे, तो ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन करेगा, इसकी भी आप एक लीनियर स्पीड डिफाइन कर सकते हो, और किसी भी पार्टिकल की लीनियर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए उस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस आरपी और साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे ओमेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था रोटेशनल मैकेनिक्स के बिगिनिंग के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि आप पार्टिकल, जो पार्टिकल है अगर वो एक्सिस के नियर है या फिर एक्सिस से दूर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा का टर्म सारे पार्टिकल्स में कॉमन रहता है। पार्टिकल की लोकेशन के हिसाब से उसकी आर की वैल्यू बदलती है, जिस वजह से उस पार्टिकल की लीनियर स्पीड बदल जाती है, एंड इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया वी इक्वल्स टू आर ओमेगा का। इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी का मतलब होता है बेसिकली कि सम ऑफ जितने भी पार्टिकल्स इस बॉडी में है, सम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस बॉडी के हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि सब सारे पार्टिकल्स का एक्सिस से डिस्टेंस सेम नहीं होगा, आर डिफरेंट होगा, तो सबकी लीनियर स्पीड अलग अलग आएगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पर समेशन लगाना पड़ेगा, समेशन ऑफ 1/2 मास ऑफ आईएथ पार्टिकल इंटू ये जो आर आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर कह रहे हो।
अब इस समेशन के प्रोसेस में पार्टिकल टू पार्टिकल वेरिएबल क्वांटिटी क्या होगी, मतलब अगर हम ith पार्टिकल की जगह pth पार्टिकल, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस और मास उसका मान लो, मतलब mi और ri, क्या ये जो ओमेगा है ये भी पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा? नो सर, ये फिक्स्ड है। नो सर। हां तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समेशन साइन के बाहर पुट कर सकते हो, मतलब आप समेशन में हाफ कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हो, समेशन के अंदर टर्म आ जाएगा mi into ri स्क्वायर, ये पूरा अलग कर सकते हो, और जो कांस्टेंट चीज है उसको समेशन साइन के बाहर करके ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हो, उसको ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे इस डेरिवेशन के बाद, कि ये जो रिजल्ट है आपका समेशन ऑफ mi into ri स्क्वायर का, इसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रहे हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नाम दे रहे हो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्या मोमेंट ऑफ, पूरा नाम क्या देंगे इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस। दो चीजें होंगी मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिफाइन करते वक्त, किसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया है पहली बात, और किसके अबाउट है, ये दोनों बातें बतानी पड़ती है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आई लिखूं तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया के फॉर्म में अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी की बात करो, कोई बॉडी अगर रोटेट करे और उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को दी जाए आपको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ कैपिटल आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर टर्म, इसको जरा मैकेनिक्स से रिलेट करो आप, मैकेनिक्स तो चली रही है, मैकेनिक्स का मतलब कि जो पार्टिकल वाली मैकेनिक्स थी उससे रिलेट करें, तो आप ये वर्ड काफी पहले से सुनते चले आए होंगे इनर्सिया का वर्ड। Yes, क्या आइडिया होता है आप मुझे बताएंगे इनर्सिया का फिजिकल मीनिंग, अगर कोई पूछे कि इनर्सिया ऑफ पार्टिकल क्या होता है? सर जिस स्टेट ऑफ मोशन में बॉडी है मतलब या फिर थी उसी में रहने की टेंडेंसी को कहते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इसको ये भी बिल्कुल सही है, हम इसको कह सकते हैं कि हर एक बॉडी रिलेक्टेंट है, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज रिलेक्टेंट का मतलब वो अपोज कर रहा होता है फॉर चेंज इन द स्टेट। ये बोलते हो आप यहाँ पर स्टेट वर्ड का मतलब क्या है, चेंज इन द स्टेट का मतलब क्या है, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो ये रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहती है, तो आप इसके लिए कह देते हो कि उस बॉडी की इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को इनर्सिया बोलते हो। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करते हो, इनर्सिया को मैथमेटिकली डिनोट किस चीज से करते हो, इनर्सिया क्वांटिटेटिव क्वांटिटी है या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये मतलब कि इनर्सिया का मेजरमेंट किया जा सकता है किसी बॉडी का, जैसे हम कहते हैं कि इनर्सिया का मतलब एक बॉडी अपनी चेंज ऑफ स्टेट को हमेशा रजिस्ट करती है, तो क्या ये चीज मेजरेबल क्वांटिटी है या फिर सिर्फ आप एक इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो? तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन अगर आप याद करें तो क्लासिक मतलब जो हमारे न्यूटन लॉज थे उसमें ये कहा जाता था कि जो मास ऑफ अ बॉडी है वही इनर्सिया का मेजरमेंट है, किसी बॉडी का जो पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो मास है यही मास एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट के इनर्सिया को रिप्रेजेंट करता है। यस सर, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ ये कहने का मतलब? सर डायरेक्टली डिपेंडेंट है इनर्शिया, इनर्शिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बॉडी को स्पीड ऑफ मोशन चेंज करने में ज्यादा मतलब ठीक है, मतलब मास ऑफ पार्टिकल इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है देखिए, इसको ऐसे समझाता हूं मैं, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आप इनर्शिया को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो हम कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट रजिस्ट करता है अपने चेंज को, तो इसको आप मेरे क्वेश्चन में ऐसे समझो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देने, सपोज हमारे पास एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और वहीं पर हमारे पास एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट के स्टेट पर हैं। अब हमने क्या किया, अच्छा हम ये चाहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम किसी तरीके से फोर्स लगाएं, और फोर्स लगा करके मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूं कि ये बॉडीज एक पर्टिकुलर स्पीड वी पर आ जाए, मतलब हम इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट से मोशन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं,
और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हमने दोनों पर सेम फोर्स लगाई और दोनों को हम सेम स्पीड v तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप बता पाओगे कौन सा ऑब्जेक्ट उस स्पीड को जल्दी एक्वायर कर लेगा? और सर, कौन सा क्यों? क्योंकि वो हल्का है, उसका इनर्शिया मतलब वो हल्का है और वो जल्दी चेंज कर सकता है। ओके, सो इट रीचेस टू स्पीड v, आप खुद कह रहे हो इट रीचेस टू द स्पीड v इन अ लेसर टाइम अगर हम सेम फोर्स लगाएं तो। और जो 5 kg की बॉडी है वो उस स्पीड तक जाने में ज्यादा टाइम लेगी, रीचेस टू द स्पीड v इन मोर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट से मोशन में ले जाने पर 5 किलोग्राम की बॉडी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, मतलब उसके चेंज धीरे धीरे हो रहे, उसकी वेलोसिटी का चेंज बहुत धीमे धीमे हो रहा है, इसीलिए वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। और जो कम मास की बॉडी है वो आप रेस्ट से किसी भी स्पीड पर ले जाने में आपको कम टाइम लगेगा, मतलब उसमें चेंज ऑफ स्टेट जल्दी जल्दी हो रहा है। मतलब कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप चेंज ऑफ स्टेट लाना चाहोगे, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाहोगे, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मींस कि मतलब कि हैवियर बॉडी का रेजिस्टिव नेचर ज्यादा है, क्योंकि जो बॉडी जितना स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगी उसके चेंज को लाना उतना डिफिकल्ट होता रहेगा हमारे लिए। और इसीलिए कह देते हैं मैकेनिक्स में, इसीलिए कह दिया जाता है कि 5 kg बॉडी हैज मोर इनर्सिया, और इसीलिए कहा जाता है कि इनर्सिया को मेजर करने के लिए हम मास का यूज करते हैं। मतलब बॉडी का जो मास है वही इनर्सिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि जितना ज्यादा मास है बॉडी में उस बॉडी का इनर्सिया उतना ज्यादा है, जिसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि अंडर अ फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी एंड टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू अ पर्टिकुलर लेवल यू नीड मोर टाइम। यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि 5 kg को ज्यादा फोर्स चाहिए होगा 2 kg के कंपैरिजन। राइट, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, वो भी बात सही है कि बिल्कुल बात कह सकते हो कि 5 kg को हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो उतने ही टाइम के अंदर स्पीड v पर आ जाएगा जितने टाइम में 2 किलोग्राम बॉडी गई है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट तो बढ़ाना पड़ा ना। यस सर। तो या तो आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे, बात तो वही हो गई कि ज्यादा एफर्ट क्यों लगा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, या फिर अगर हम सेम एफर्ट लगा रहे तो हमको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका भी मतलब यही हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा है। दोनों से मतलब तो एक ही निकल के आ रहा है ना। यस सर। यस सर जी। तो अब सुनिएगा, अब इसी के सिमिलर पे एक बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने बॉडी का आपको एग्जांपल दिया है जहां पर बॉडी जो है वो ट्रांसलेट कर रही है, मतलब एक तरीके से लीनियर मोशन में है, ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक बॉडी के रोटेशन का, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके पास कोई एक डोर है, घरों में जो आपके डोर लगे होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, जो डोर घर में लगे होते हैं वो मटेरियल कौन सा होता है उसमें? वुड होता है, ठीक है, वुडन होता है। और जो आपके घर का जो मेन गेट होता है वो भी क्या वुडन होता है? आयरन, स्टील, आयरन या स्टील होता है या एलॉय स्टील होती है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के डिजाइनर डोर होते हैं। तो जो मेन गेट है, मान लेते हैं मेन गेट, आप समझिएगा एग्जांपल, और जो आपका किसी पर्टिकुलर रूम का डोर है, ठीक है, मान लो आपके स्टडी रूम का ही डोर की बात कर लेते हैं, तो मेन डोर आप नॉर्मली आयरन का बनाते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं, दोनों ही डोर्स रेस्ट पे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन डोर्स को रोटेट करूँ और इनको रोटेट कर दूँ बाय सम एंगल, या फिर इनको रोटेट करके मैं एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट करके 5 रेडियन पर सेकेंड तक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिया है, और यहीं पर मैं मेन गेट को भी चाहता हूँ कि वो भी 5 रेडियन पर सेकेंड तक पहुँच जाए। ऐसा करने के लिए आपको उन दोनों डोर्स पर फोर्स लगानी पड़ती है, या फिर इसको आगे आप पढ़ोगे कि टॉर्क लगानी पड़ेगी आपको। एक टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, वो अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स जी। तो हम दोनों पर सेम टॉर्क लगा रहे हैं, मतलब सेम एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जितनी ताकत से आप रूम वाले डोर को पुश कर रहे हो उतनी ही ताकत से आप मेन गेट आयरन वाले को भी पुश कर रहे हो। अब आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली भी सोच के देखना, क्या दोनों में 5 रेडियन पर सेकंड आने में आपको सेम टाइम लगेगा? यह जो वुडन डोर है वो लाइट होने की वजह से जल्दी पहुंच जाएगा, और जो
आयरन वाला डोर है वो हैवी होने की वजह से धीमे धीमे रोटेट करता है, तो प्रैक्टिकली टाइम किसको ज्यादा लगेगा उस एंगुलर स्पीड तक जाने में, मतलब मेन गेट जो होगा हैवियर होगा, यानी कि वुडन गेट किसी पर्टिकुलर मतलब रेस्ट से एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड तक, सुनिएगा पहले एग्जांपल में रेस्ट से आपने एक पर्टिकुलर लीनियर स्पीड मानी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की थी हमारी, तो रेस्ट से एक पर्टिकुलर लीनियर स्पीड तक जाने में अंडर द सेम फोर्सेस अ बॉडी ऑफ हैवियर मास विल टेक मोर टाइम, विच मीन्स द हैवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्सिया। उसका कंपैरिजन रोटेशनल मैकेनिक्स से करा जा रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और उसको हम रोटेट करके एक स्पेसिफिक एंगुलर स्पीड तक लेके जाना चाहते हैं, 5 रेडियन पर सेकंड तक मान लो लेके जाना चाह रहे हैं स्पेसिफिक एंगुलर स्पीड तक, और सेम टॉर्क लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा कम टाइम में यहाँ पर पिच रिच कर रहा है और एक टाइम हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पर मोर टाइम। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो हैवियर गेट है उसमें इनर्सिया ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये चीज रोटेशनल मैकेनिक्स से लिंक है तो यहाँ पर अभी किसी ने टॉर्क के बारे में एक नाम बोला था, अभी आप लोगों ने किसी ने टॉर्क का नाम दिया था मुझे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोला था, राइट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यानी ट्रांसलेटरी मोशन में जिस चीज को आप फोर्स कह रहे हो उसके इक्विवेलेंट, ट्रांसलेटरी मोशन में जिस चीज को आप फोर्स कह रहे हो उसके इक्विवेलेंट रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क कह रहे हो, जिसका नाम एक दे रहे हो आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ फोर्स सॉरी। और इसी एनालॉग पर हम क्या कह रहे हैं, जो रोल ट्रांसलेटरी मोशन में मास प्ले करता है जिसको कि आप इनर्सिया बोलते हो, वही रोल रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्सिया के नाम से पढ़ा जा रहा है आपका, यानी कि आप ये कहोगे कि जो कम टाइम में जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया लेस है और जो ज्यादा टाइम में पहुंच रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया ट्रांसलेटरी मोशन के इनर्सिया का एनालॉग है रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। मतलब फिजिकली इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी को एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड तक लेके जाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या अंडर द सेम एफर्ट बॉडी विच हैज लोअर मोमेंट ऑफ इनर्सिया विल चेंज द स्टेट इन द लेसर टाइम एंड द बॉडी विथ मोर मोमेंट ऑफ इनर्सिया will change the speed in the more time। ये इसको वैसे भी बोल सकते हो, मतलब एक तरीके से हम ये भी कह रहे हैं कि moment of inertia represents how easily physically, mathematical नहीं बात कर रहा हूं, how easily the angular speed of object can be changed। अगर आप आसानी से चेंज कर पा रहे हो मतलब moment of inertia कम है, अगर आपको एंगुलर स्पीड बदलने में ज्यादा मेहनत पड़ रही है ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है। अब आप बताओ फिजिकली आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर दोनों के एनालॉग क्लियर हुए, मतलब कि जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में आई कर रहा है, यानी एम और आई एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जा सकते हैं, एक दूसरे के एनालॉग कहे जा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बताएं आप? Yes, sir. Physically, मतलब मैथमेटिकल नहीं, फिजिकली कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया सुन करके माइंड में जो पिक्चर बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया का मतलब हम एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं जिसके थ्रू हमको ये मालूम चल जाएगा कि इस बॉडी की एंगुलर स्पीड को बदलना आसान है या इस बॉडी की एंगुलर स्पीड को बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये इसका फिजिकल मतलब है। और रही बात मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिफाइन किया गया है बाय द समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ अ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सिग्मा ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई मोमेंट ऑफ इनर्सिया की। ठीक है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. जी बच्चा, और इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये भी अगर आप ध्यान दो तो एनालॉग बन रहा है, जहां पर पहले आप हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ते थे तो मास की जगह पर इन प्लेस ऑफ मास नाउ वी हैव कैपिटल आई, दोनों ही अपनी अपनी डोमेन में इनर्सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में मास इनर्सिया को रिप्रेजेंट करता है और रोटेशन में कैपिटल आई इनर्सिया को रिप्रेजेंट करता है।
ट्रांसलेशन में आप लीनियर स्पीड्स को डील करते हो और रोटेशन में हम एंगुलर स्पीड ओमेगा को डील करते हैं। तो जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, और जब कोई बॉडी रोटेट करे तो उसी के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बन रहा हमारा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो, एक ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू दे दी जाए अगर आपको और उसकी एंगुलर स्पीड दे दी जाए, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है। जस्ट लाइक अगर एक बॉडी का मास दिया हो और बॉडी की स्पीड वी दी हो तो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ट्रांसलेट करने में, वैसे ही रोटेट करने में आई और ओमेगा अगर पता हो जाए हमें तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। बट अब क्वेश्चन उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू को डिफाइन कैसे करोगे। तो मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया है सिग्मा ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। अब इसको लेकर के हमारा पूरा चैप्टर अभी आगे बढ़ने जा रहा है। हम अभी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट समझें कि जैसे मतलब लीनियर मोशन में वो पार्टिकल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस में घूमने पे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए जो कि आर आई है, आर आई का स्क्वायर। राइट, बिल्कुल 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 कह सकते हो आप इसको। ओके सर, अब पहली बात, आगे बढ़ने से पहले एक कुछ बेसिक बातें बता दें आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसकी यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत क्लियर है, इसमें क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया की यूनिट, अगर मास और आर स्क्वायर है यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और स्केलर है या वेक्टर है, ये भी क्वांटिटी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर है कि दिस इज फॉर आवर लेवल इट इज स्केलर क्वांटिटी, बट आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, बट ये अभी नहीं, इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे बीटेक करोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर आपसे पूछा जाता है क्लास 11th के लेवल पर कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्केलर है या वेक्टर है, तो क्या आंसर देंगे इसका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक सेकंड, चलिए तो अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, सिग्मा ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर का, इसको माइंड में रखना। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पे आ गए इसकी। तो डेफिनेशन है, ये जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, सिग्मा ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, यही डेफिनेशन है हमारी। क्या बनेगा यार इसके हिसाब से बताए, जो डेफिनेशन लिखी है एक बार आप रीड करोगे तो खुद सेल्फ अपने आप समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। वर्ड्स में लिखा है, पहले मैं सिंगल पार्टिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंगल पार्टिकल होगा एक पार्टिकल, अ पार्टिकल एक इकलौता पार्टिकल है अगर जिसका मास m दिया जाए और वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो जिसकी रेडियस r हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि प्रोडक्ट है मास का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, मतलब m इंटू आर स्क्वायर, यही इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ये डेफिनेशन का पार्ट कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिफाइन ही ऐसे किया गया है m इंटू आर स्क्वायर के फॉर्म में फॉर अ वेरी सिंगल पार्टिकल। कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपली m इंटू आर स्क्वायर का आंसर। सर ये जो पार्टिकल आपने लिया है सर, ये एक एलिमेंट है ना उसी, मतलब जो डिस्क है? नहीं नहीं नहीं, डिस्क नहीं है, डिस्क नहीं है, ये जो सर्किल आप देख रहे हो ना ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है, कोई डिस्क नहीं है। ये जो सर्किल दिखाया है ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने इसीलिए ब्लू कलर से दिखाया है। अच्छा सर, ओके। हाँ, मतलब एक मास हमारा जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। अच्छा सर, समझ गया। सिंपल सा ये सर, हाँ, इसको आप डिस्क से कंफ्यूज ना करें, सिंगल पार्टिकल है जो की एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। सर, हाँ जी सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मतलब अलग से डिफाइन करना है कि जरूरत क्या पड़ी, मतलब MR स्क्वायर ही क्यों नहीं डायरेक्टली यूज किया जाता है? बच्चा तो MR स्क्वायर कैसे पता चलेगा, आप सोचो ना कि हम कोई चीज कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि MR स्क्वायर का कोई टर्म आएगा? ये तो जब काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन करने के लिए बैठेगा ना। देखो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकल के आया, कि जब हम लोगों ने रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को समझने की कोशिश की तो हमको समझ में आया कि उसके अंदर एक टर्म आ रहा है जो सिग्मा MR स्क्वायर है। और ये समझ में आया, ये समझ में आया वहां से कि यार देखो, अगर आप एक बॉडी को स्लो रोटेट करो और उसी बॉडी को फास्ट रोटेट करो, एक ऑब्जेक्ट लिया जाए जैसे फैन है, तो फैन को स्लो रोटेट करें फिर वही फैन को फास्ट रोटेट करें, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आप देख रहे हो इसके अंदर क्या चीज है जो रोटेशन की स्पीड से बदल जाएगी,
और क्या चीज ऐसी है जो रोटेशन की स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन ओमेगा। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप चाहे स्लो रोटेट करो चाहे फास्ट रोटेट करो, ओमेगा स्क्वायर तो बदल जाएगा, लेकिन ये जो बाकी का टर्म है सिग्मा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ये चीज तो नहीं बदलेगी ना। मतलब कि ये फैक्टर बॉडी के रोटेट करने की स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये कोई उस बॉडी की कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होंगी जो रोटेशन की स्पीड से नहीं बदल रहे हमारे। और इस बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी के को जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करके देखा गया तो ये समझ लिया गया कि इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा, हमको कोई नई चीज बतानी पड़ेगी इसके बारे में। तो इन्होंने इसको जस्ट एक न्यू नेम प्रोवाइड करके इसको डिफाइन कर दिया कि चलिए इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। और अभी आगे कुछ और ऐसी डेरिवेशन है जिसमें सिग्मा एम आई इज टू आर आई स्क्वायर के फैक्टर्स आते हैं। तो जितनी रोटेशन को लेकर के जितने डेरिवेशन किए गए उन सारे डेरिवेशन में ये टर्म बार बार आ रहा था। तो लोगों फिजिसिस्ट लोगों को लगा कि यार ये कुछ स्पेशल केस होगा, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, वहां से इन लोगों ने इसको स्पेशली अलग से डिफाइन कर दिया। ओके सर। हाँ ओके। तो ये हमने सिंगल पार्टिकल की बात करी है एम इंटू आर स्क्वायर से। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, ये तो इकलौता पार्टिकल है, बट कहीं पर अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। जितने पार्टिकल्स होंगे उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी फॉर्मूले एम इंटू आर स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। ये चीज है कि अगर हमारे पास मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम है, दो या तीन पार्टिकल्स हैं, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल अबाउट द एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन पार्टिकल्स आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं, एक 4 किलोग्राम का पार्टिकल, एक 2 किलोग्राम का पार्टिकल और एक 5 किलोग्राम का पार्टिकल। एक कोऑर्डिनेट इसमें गलत लिखा हुआ है, उसको सही कर देने दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों पार्टिकल्स हमारे, एक और चीज गलत है इसमें, वो भी सही करना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस होना चाहिए और ये जेड एक्सिस होना चाहिए। तो ये इस तरीके से। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिस्टम आपके सामने डायग्राम है इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आगे ये ना कहा जाए अबाउट विच एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सपोज दैट एक्स एक्सिस निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे देखो, जो आपका 4 किलोग्राम पार्टिकल है इसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस बन रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या बनेगा बच्चा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सर वाई एक्सिस, क्या ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब ही तो वाई। तो इसको आप लिखोगे इसका मास 4 किलोग्राम और इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 उसका स्क्वायर प्लस 2 किलोग्राम पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि 2 किलोग्राम पार्टिकल की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय उसके डिस्टेंस यानी 3 का स्क्वायर एंड प्लस सिमिलरली 5 किलोग्राम पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो कि उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरा पहला आंसर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई और इंडेक्स इसमें एक्स लगा दो जिसका मतलब ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, सेम क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस सर एक्स कोऑर्डिनेट्स लेंगे फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के लिए। हां तो क्या बनेगा आंसर बताओ उसका, फॉर एग्जांपल पहले वाले पार्टिकल जो 4 किलोग्राम है 3 स्क्वायर प्लस 2 इनटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो यानी 3 स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है। और 2 किलोग्राम का वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 स्क्वायर कर देंगे और प्लस 5 किलोग्राम इनटू 6 स्क्वायर क्योंकि ये 6 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आप ले लेंगे। अब पहली बात तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे, मतलब आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ऑब्वियस है ना, बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, दोनों रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, आंसर्स अलग अलग आएंगे। दैट मीन ये चीज तो क्लियर हो रही, इस एग्जांपल से ही क्लियर हो रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट आने वाला है। मतलब ये पहली बात क्लियर हो जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया च्वाइस ऑफ एक्सिस पर डिपेंड करता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, इसके हिसाब से आंसर आएगा। तो क्या ये एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई या फिर एक बॉडी की प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो हमारी या आपकी च्वाइस पे डिपेंड न करे। जैसे एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है
तो मेरे लिए भी वो 5 किलोग्राम है और आपके लिए भी वो 5 किलोग्राम है, ठीक। लेकिन अगर एक बॉडी है जिसकी रोटेशन एक टाइम पर आपने x एक्सिस के अबाउट की और अगली बार उस बॉडी को y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, अगली बार सेम बॉडी को z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट एक बॉडी को रोटेट कर रहे पर क्या सेम ही मोमेंट ऑफ एनर्जी आएंगे उस बॉडी के, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ एनर्जिया बन जाएंगे उसकी? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझा रहा हूं आपको, x एक्सिस के अबाउट अलग आंसर है, y एक्सिस के अबाउट अलग आंसर है। और इवन अगर मैं एक और चीज दिखाऊं आपको, अगर यहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट निकालूं, क्या आंसर बनेगा देखो, मतलब जीरो बने ना, ना ना बच्चा ना, z एक्सिस के अबाउट सुनो एक बार, बताओ ये जो 4 किलोग्राम का पार्टिकल है इसका z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना वो ओरिजिन से इस पार्टिकल तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एनी लाइन ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। तो 4 किलोग्राम पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस अगर कैलकुलेट करते हो आप, तो ये होगा ओरिजिन से उस पार्टिकल को जब मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले कि जेड एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, भाई जेड एक्सिस तो वर्टिकल लाइन है यार, एक ना एक वर्टिकल लाइन है और पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन पे है, समझ गए? हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना डिस्टेंस आएगा ये 5, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे 4 किलोग्राम और डिस्टेंस 5 उसका स्क्वायर प्लस। सिमिलरली 2 किलोग्राम पार्टिकल का डिस्टेंस जेड एक्सिस से निकालना होगा, तो ओरिजिन से आप 2 किलोग्राम वाले को ज्वाइन करो, इसमें भी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा, तो 2 into इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये भी 5 है, ये 5 आएगा सर। हाँ, और तीसरा जो 5 किलोग्राम वाला पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से 10 आएगा सर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी अलग आंसर है। मतलब एक ही प्रॉब्लम में अलग अलग एक्सिस के अलग अलग आंसर्स। और एक और बात बताऊं, देखो एक और चीज समझो इसमें, ये जो आप आई एक्स कैलकुलेट कर रहे हो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, अगर हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं टोटल वैल्यू, अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो 4 × 16 = 64 प्लस 9 × 18 और प्लस 64 × 5 320, तो टोटल कितना बताया आपने बच्चा, 402 केजी मीटर स्क्वायर बोलेंगे इसको यूनिट के हिसाब से। आई वाई की वैल्यू अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, आई वाई की वैल्यू एक बार आप लोग बताओगे जरा क्या बनेगा आई वाई की वैल्यू, 248 केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी 248 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक। आई जेड की वैल्यू सर 650 ओके जी। अब एक और बात समझो, देखना ये एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल तो है ही बट थ्रू एग्जाम्पल आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ में आएंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ में आ गई कि एक ही सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट आ रहा, पहली प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी सर एक और चीज देखी, क्या सर, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। हाँ आई एक्स, बिल्कुल सही चीज, आई एक्स दोनों के स्क्वायर्स का रूट है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो, आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड के बराबर क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में आएगा या सब जगह आएगा? नहीं समझ पा रहे। देखो जब आई एक्स कैलकुलेट किया है तो यहां पर आपने वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर किया है, और जब आप आई वाई कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर किया, और जब आप आई जेड कैलकुलेट कर रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा पाइथागोरस, इसीलिए तो दोनों का समेशन आ रहा ना, मतलब ये कोई ऐसा, हाँ ये ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इन नंबर्स के हिसाब से हो रहा, नहीं। अगर मैं यहाँ नंबर्स बदल भी दूँ ना 3, 4, 3, 4, 0 की बजाय कोई और कोऑर्डिनेट भी चूज कर लेता तो भी यही आंसर आता आपका, मतलब तब भी यही होता कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड।
तो दो बातें इस एग्जाम्पल के थ्रू जो समझ में आ रही हैं वो ये हैं। पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर अ गिवन सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग। नंबर टू, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू वाई जेड, इसको मैं अलग तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। जो मैंने फिगर आपको दी हुई है इसमें हमारे सारे पार्टिकल्स कौन से प्लेन में हैं, क्या वो एक्स वाई प्लेन में हैं? एक्स वाई या हाँ, मतलब सारे के सारे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर हैं? यस सर। ओके, तो एक्स एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्सिया प्लस वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्सिया जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बराबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स वाई प्लेन, जो सामने एग्जाम्पल है आपका, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्स वाई प्लेन, आप कह सकते हो कि आई एक्स प्लस आई वाई शुड बी इक्वल टू आई ऑफ जेड। अब मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें और दे रहा हूँ, उसके बाद ही कुछ कंक्लूड करेंगे, डायरेक्टली कुछ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल्स को अपने लेवल पर खुद से ट्राई करके लर्न करने की कोशिश करो, इससे अच्छा कि कोई आपको फोर्सफुली याद करवाए इस तरीके से। तो हमने फिर एक बार एक्स एक्सिस माना, एक वाई एक्सिस माना, और हमने यहाँ पर जेड एक्सिस माना, और फिर हम यहाँ पर पार्टिकल्स लोकेट कर रहे हैं, बट अब की बार जो मैं पार्टिकल्स लोकेट करूंगा वो वाई जेड प्लेन पर लोकेट करने जा रहे हैं। तो एक पार्टिकल हम वाई जेड प्लेन पर लोकेट करेंगे, एक सेकंड बच्चा रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ पर और तीसरा पार्टिकल यहाँ पर, तीन पार्टिकल्स हमने लोकेट किए वाई जेड प्लेन पे, और इनके कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक पार्टिकल को आप m1 मास मान लें, दूसरे पार्टिकल को आप m2 मास मान लें, और तीसरे पार्टिकल को m3 मास मान लें। मैं यहाँ पर डिस्टेंस भी दिखा दे रहा हूँ, m1 मास का वाई एक्सिस से डिस्टेंस और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये डिनोट कर दे रहे हैं, इसको ए कॉमा बी से डिनोट कर दे रहे हैं, ए1 बी1 कर दे रहे हैं। M2 मास का Z एक्सिस से जो डिस्टेंस और है Y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको आप A2 B2 कर दो, और M3 मास की डिस्टेंस को आप दोनों तरफ से A3 B3 कर दो। समझ पा रहे हो फिगर यार? M1 मास को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, M3 को हाईलाइट कर दे रहे हैं, और M2 को भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब आप सुनिएगा, आप बताओ कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर मैं Z एक्सिस के अबाउट निकालना चाहूं तो क्या आएगा? तो Z एक्सिस से M1 कितनी दूर है? M1 का डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस B1, तो आप लिखोगे M1 B1 स्क्वायर प्लस M2 कितनी दूर है? B2। M3 कितनी दूर है? B3। अच्छा, अब यहीं पर अगर आप Y एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो M1 का डिस्टेंस Y एक्सिस से कितना दिखाया जा रहा है? A1 स्क्वायर, फिर ऐसे M2 A2 स्क्वायर और प्लस M3 A3 स्क्वायर लिखोगे। अब अगर मैं X एक्सिस से निकालना चाहूं तो M1, X एक्सिस से डिस्टेंस निकालने का मतलब ओरिजिन से, क्योंकि M1 तो YZ प्लेन पे है ना यार, तो M1 का X एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये ओरिजिन वाली डिस्टेंस होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ A1, तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और इसका आगे स्क्वायर कर देंगे, सिमिलरली प्लस M2 रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और प्लस M3 वाला करेंगे, रूट ऑफ ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर और इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे। इससे क्या बात समझ में आ रही है सर? आई वाई प्लस आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स, आई वाई प्लस आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स, जबकि पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था? पिछले में तो होते हैं उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। देखिए, कुछ समझ में आ गया ना, मतलब पिछली बार आई एक्स और आई वाई को एड कर रहे थे तो आई जेड आ रहा था, और अब की बार आप क्या कर रहे हो? y और z को ऐड कर रहे तो x आ रहा है, तो ये कैसे मान x plus i z करेंगे तो i y की नहीं आएगा ना, यहाँ पर कैसे आएगा सोचो? नहीं सर, यहाँ नहीं सर, i कैसे अगर करते हैं सर अगर तो i, ये यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये रूल क्या बन रहा है इसका, मतलब क्या आपने ऑब्जर्व किया इन दो एग्जांपल्स के बेस पे? ऑब्जर्व क्या किया हमने, ऑब्जर्वेशन क्या आई मेरी, कि ये कैसे मालूम चलेगा कि मुझे y और z वाले मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऐड करने हैं या फिर मुझे x और y वालों को ऐड करना है, मतलब किनका समेशन किसके बराबर होगा, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये मालूम ऐसे चलेगा सर, जिस प्लेन उनका समेशन करेंगे वो, हाँ, बाकी दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के
बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस एग्जांपल में जो हमने पार्टिकल चूज किए हैं वो हमारे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ के एग्जांपल में पार्टिकल्स इन एक्स वाई है, और अगले एग्जांपल जो भी आपको दिया उसमें हमारे पार्टिकल्स कौन से प्लेन में लिए मैंने, तो इसमें हमारे पार्टिकल हैं वाई जेड प्लेन में। तो यानी कि जिस प्लेन में आपके पार्टिकल्स हैं उस प्लेन की दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप ऐड करोगे तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस होगी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे वाई जेड प्लेन में पार्टिकल्स है तो इसका परपेंडिकुलर हुआ एक्स एक्सिस, तो ये चीज इक्वल है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ पार्टिकल्स, और इसको एक थ्योरम का नाम दिया गया है, इस पूरी स्टेटमेंट को ही एक थ्योरम बोल दिया गया है, कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम है ये, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पार्टिकल जेड एक्स प्लेन में होते तो क्या करते हैं, अगर हमारे सारे पार्टिकल जेड एक्स प्लेन में स्कैटर्ड होते तो आई वाई के इक्वल होता, तो आई एक्स और आई जेड का समेशन आई वाई के इक्वल होता, आई वाई के इक्वल होता, मतलब आप रैंडमली किसी भी दो एक्सिस को नहीं ऐड कर सकते हो कि अपनी मर्जी के हिसाब से तुम्हारा मन कर रहा है वाई और एक्स को ऐड करने का तो कर दोगे, नहीं, पहले ये देखो कि जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, जिस प्लेन में पार्टिकल्स हैं उस प्लेन के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो तीसरी वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों बोला गया है कि इसमें जो तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, एक्स और वाई एक्सिस भी 90 डिग्री पर, वाई और जेड एक्सिस भी 90 डिग्री पर, और ये बाकी के दो एक्सिस भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं थ्री डायमेंशंस में, ये पहली थ्योरम आई। अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मतलब मैं नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट किसी न्यूमेरिकल की तरफ आगे, सुनो मेरा इंटेंशन कुछ और है, जैसे आप करते करते खुद ऑब्जर्व कर लो, टू पार्टिकल का एक सिस्टम लेते हैं और ध्यान से सुनना इसका आंसर जरा, टू पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल हमने लिया एम वन मास का और एक पार्टिकल हमने लिया यहाँ पर एम टू मास का, और ये मान लिया कि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कुछ डिस्टेंस में है, लेट से कि ये डिस्टेंस हमारे लिए डी है, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डी है, तो इसमें मेरा पहला कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है वो पुराने चैप्टर से है कि आप इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, पहले तो आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या बनेगी, यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, नहीं डी बाई टू नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये पार्टिकल सेम मास के नहीं है सर, एम टू डी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, हाँ तो अगर ये सेंटर ऑफ मास अगर आप एम वन वाली साइड से कैलकुलेट करोगे, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओगे ना यार एक्स सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स, हाँ तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ और उसमें एम वन को ओरिजिन मान लें अगर, तो ये डिस्टेंस m1 वाले साइड से जो आती है वो आती है m2 into d divided by m1 plus m2, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m2 वाले साइड से जो बनेगा वो बनता है फिर आपका m1 into d divided by m1 plus m2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस बना देते हैं, सपोज करो इस सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सिस है, तो हमने क्या किया एक एक्सिस डिनोट करी जो वाया सेंटर ऑफ मास जा रही है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि ये समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर होता है, तो पार्टिकल m1 और उसका डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास से लिया जा रहा है वो है m2 into d divided by m1 plus m2, इसका स्क्वायर कर देंगे m into r square, और दूसरे पार्टिकल के लिए मास m2 और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जो है वो है m1 into d divided by m1 plus
एम टू, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये पूरी वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम डिनोट करते हैं आई, और इसका इंडेक्स लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली आई के नीचे जो लिखते हो वो सिर्फ ये बताता है कि इस यहाँ से एक्सिस जा रही है आई, और उसके बॉटम पर सेंटर ऑफ मास लिखने का मतलब है एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और इसकी वैल्यू अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, जो दोनों टर्म्स हैं अगर इनको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें कुछ कॉमन वन लेकर के, तो एक बार आप वर्किंग सेल्फ करो, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड d स्क्वायर। आप अपने लेवल पे करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो, कुछ चीजें कॉमन निकल जाएंगी और यही आंसर आ जाएगा। बन रहा है ये चीज? ठीक है जी। Yes, बन गया। ठीक, इसीलिए मैंने कहा पेन पेपर लेके बैठो, क्योंकि अपने आप करोगे तो याद हो जाएगा, मतलब फिर से रिवीजन की नीड नहीं पड़ती है, वरना फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा इसे। एनीवे, अब हम क्या करते हैं, ये मेरा पहला आंसर आ गया मोमेंट ऑफ एनर्जिया का फर्स्ट आंसर। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में, हम इन्हीं दोनों पार्टिकल्स को फिर से कंसिडर करने जा रहे हैं। हम फिर से एम वन को कंसिडर कर रहे हैं और फिर से एम टू को कंसिडर कर रहे हैं, फिर ये दोनों डी डिस्टेंस पे हैं, ऑब्वियसली इनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा। बीच का मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं, बीच पे होने का मतलब कि मिड पॉइंट से नहीं होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक और एक्सिस चूज करेंगे, लेकिन अब की बार वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू नहीं जाएगी, अब की बार वो एक्सिस किसी और पॉइंट से चली गई, कोई आर्बिट्री पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, किसी पी पॉइंट से जा रही है, बट वो पी पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस पे है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंडेक्स लिख रहे हैं पी, मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। अब इसके लिए एम वन, अब एम वन इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो M1 का सेंटर ऑफ मास तक का तो डिस्टेंस आपने भी पीछे नोट किया था, M1 और सेंटर ऑफ मास तक के डिस्टेंस आपको पता है, और सेंटर ऑफ मास से A डिस्टेंस पर ये एक्सिस है, तो M1 और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस अभी हम लोगों ने पीछे लिखा है M2D upon M1 plus M2। तो आप बताएंगे कि M1 इस ग्रीन वाली एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हुआ फ्रॉम दिस ग्रीन एक्सिस। M2D divided by M1 plus M2 minus A. ओके, तो M2D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 माइनस A, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस। अब M2 वाला मास इसी एक्सिस से कितनी दूर है, M2 और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस हमको पता है कि ये M1D अपॉन M1 प्लस M2 है, M1D अपॉन A प्लस स्क्वायर, A प्लस कर देंगे, यानी M1D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड प्लस A का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब सुनना, यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट पी इक्वल टू, देखिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एम वन इंटू पहला टर्म ए माइनस बी होल स्क्वायर से करेंगे तो एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर बनेगा, फिर एक टर्म बनेगा एम वन इंटू ए स्क्वायर का, और एक और टर्म बनेगा माइनस टू ए बी वाला, तो माइनस टू M1 M2 D into A divided by M1 plus M2, सही लिखा है मैंने पहला एक्सप्रेशन, मतलब A minus B whole square से। Yes sir. Yes sir. इसके बाद दूसरा टर्म आएगा M2 वाला, अब M2 वाली टर्म को आप A plus B whole square से एक्सपेंड करो, तो ये M1 D divided by M1 plus M2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी वाला टर्म कट जाएगा M2, हाँ, और एक प्लस टू ए बी का टर्म आ जाएगा, वो प्लस टू ए बी का टर्म एक्चुअली कैंसिल आउट कर जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या रिजल्ट यार, इसका मतलब क्या रिजल्ट, ये वाला पीस हम लोगों ने किए थे अभी, देखिए हाँ ये इसको अलग कर दें, और इसके बाद हम इधर जा रहे हैं यार, अब इस स्टेप के बाद इधर आ रहे हैं, तो आई ऑफ पी जो आ रहा है, आई ऑफ पी की वैल्यू इसके पहला टर्म जो है एम वन वाला ये टर्म और दूसरी एक्सप्रेशन का टर्म, इन दोनों को मिला दे तो ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सेंटर ऑफ मास, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास
प्लस। इसके बाद एक एम वन ए स्क्वायर है और एक एम टू ए स्क्वायर है, तो इसको आप कह सकते हो कि एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, और बाकी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टू एम वन एम टू वाले फैक्टर प्लस माइनस की वजह से चले गए। दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर द एक्सिस विच पासेस थ्रू पॉइंट पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। Of axis which passes through center of mass and plus m1 plus m2 which means ki total mass net mass into a square, ye ek result bana aur ye result bhi hamare liye ek theorem kehlayegi, isko hum kehte hain parallel axis theorem, piche humne perpendicular axis theorem batayi aur ye dusri theorem hai moment of inertia ki jisko kaha jata hai parallel axis theorem, jo kya kehta hai humse कि अगर आप एक सिस्टम के अंदर दो एक्सिस कंसिडर करें जिसमें से एक एक्सिस उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाती हो और दूसरी एक्सिस किसी और पॉइंट से पास होती हो, लेकिन ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। फिर से बोलता हूं, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल वी आर कंसिडरिंग टू एक्सिस, द फर्स्ट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेकेंड वन at some distance from center of mass. Now if we want to relate moment of inertia for these two axes, then the relation between the moment of inertia of these two axes is like this, that moment of inertia which is passing through point P is equal to moment of inertia which passes through center of mass and plus total mass into A square, where A is the distance of axis through point P फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब कि सेंटर ऑफ मास और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए है। पैरेलल डिस्टेंस की वजह से डिपेंड कर, राइट, इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर आपको किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर कोई दूसरी एक्सिस अगर आप लेते हो तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका एक मतलब और हुआ, सुनो, इसका मतलब समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या मतलब है इसका। देखो हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले मान लें हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब आपको ये पता है कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, मान लीजिए ये y डिस्टेंस है और ये x एक्सिस है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ये हमारे पास कोई एक प्लेट है यार, मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेट है, सैंडविच मान लीजिए, ट्रायंगुलर सैंडविच है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेसिकली सेंट्रॉइड पे आता है, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, मान लो इसकी डायमेंशन ए कॉमा बी की है, तो आप एक एक वर्टेक्स को a कॉमा जीरो लिखोगे, एक वर्टेक्स को जीरो कॉमा बी लिखोगे, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 करते हो, b बाय 3, हाँ नहीं, एक x कोऑर्डिनेट जीरो, x कोऑर्डिनेट a और x कोऑर्डिनेट जीरो, तो x कोऑर्डिनेट तो a बाय 3 आएगा इसका सेंटर ऑफ मास का, लेकिन y कोऑर्डिनेट b बाय 3 नहीं आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में नहीं, a by 3 मेरे ख्याल से सही बोल रहे हो आप, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, सॉरी, ठीक है, a by 3 कॉमा b by 3 सही आंसर है यार। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक एक्सिस ड्रॉ करी जो वाया सेंटर ऑफ मास पास हो रही है, एक एक्सिस बनाने जा रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ठीक, और मैंने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर सैंडविच का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई सेंटर ऑफ मास है। फिर हमने एक और एक्सिस बनाई जो ए कॉमा जीरो वाली वर्टेक्स से जा रही है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया को मैंने आई ए कॉमा जीरो कर दिया, मतलब वो एक्सिस जो ए कॉमा जीरो से जा रही है। फिर हमने एक और एक्सिस बनाई जो वाई एक्सिस से जा रही है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको हमने लिख दिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू आई बी कर दे रहे इसको, मतलब कि जो बी वाली एज है, ठीक है,
अब अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में से सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर होगा और सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर होगा, तो यहां पर इस थ्योरम का यूज करोगे। किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी सेंटर ऑफ मास के थ्रू होगी, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी सेंटर ऑफ मास पे होगी उसमें प्लस करेंगे उस बॉडी का मास और दूसरी एक्सिस उससे कितने डिस्टेंस पर है उसका स्क्वायर। मतलब अगर मैं आई ए कॉमा जीरो निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि ये आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास होगा प्लस एम, और सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस कितनी दूर है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है यहां पर। तो ये पॉइंट आपका ए कॉमा जीरो है और सेंटर ऑफ मास ए बाई थ्री कॉमा बी बाई थ्री डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें इनके बीच में, तो शायद ये डिस्टेंस 2a by 3, तो यहां पर हम 2a by 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको i ऑफ b निकालना है, मतलब b वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये भी हम क्या कहेंगे, इट इज i अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस बॉडी का मास m, और ये b वाली लाइन सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना बन रहा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का, तो ये डिस्टेंस है a by 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब, कि आप सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट कर लें तो उसके पैरेलल किसी और पॉइंट से जब एक्सिस जाएगी तो वो हम बाय दिस थ्योरम और निकाल सकते हैं। यानी कि आई सेंटर ऑफ मास अगर आपको नोन है, अगर ये वैल्यू नोन है, तो फिर हम इसकी हेल्प से इसके पैरेलल बॉडी के अंदर से किसी भी और पॉइंट से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बताओ कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों पैरेलल ग्रीन लाइन में से सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? आई ए कॉमा जीरो का, उसके बाद आई ऑफ बी और उसके बाद आई ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है यार, ये जो मैंने कहा ये क्यों कहा, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इस चीज का कोई मतलब भी है, सिग्निफिकेंस भी है, या ऐसे ही बोला जा रहा है ये चीज। देखो हम क्या कर सकते हैं यार, इस बॉडी को रोटेट कर सकते हो आप डिफरेंट तरीके से, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसको अगले डायग्राम पे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे क्या मतलब है इसका। देखिए ये तीन बॉडी हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं, पहली बार इस बॉडी को इस बी वाली एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करना चाहते हैं, इसके अबाउट। दूसरे केस में हम इस बॉडी को वर्टेक्स वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बॉडी यहां से रोटेट करे। और तीसरे केस में मैं ये चाहता हूं कि ये बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। सर हाँ जी सर, मतलब इसका ये है कि क्योंकि मतलब मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास सबसे कम है, तो वहां से सबसे इजीली रोटेट हो जाएगी। राइट, यही बोलना चाह रहा था कि अगर मैं इन तीनों जगह रोटेट करना चाहता हूं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने में आपको लीस्ट एफर्ट लगेगा, यहां पर बॉडी आसानी से रोटेट कर सकती है, और मैक्सिमम एफर्ट वहां पे लगेगा जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आया था इसका, तो ये ए कॉमा जीरो वाले पॉइंट पर आया था, यानी कि मैक्सिमम एफर्ट इस पॉइंट पर लगेगा। एफर्ट का मतलब होता है टॉर्क से, कि कम टॉर्क में सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को रोटेट किया जा सकता है, ज्यादा टॉर्क में किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे आप। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फिजिकल मतलब है, कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉडी का रोटेशन कौन सी एक्सिस के अबाउट करना है। क्योंकि जब कोई इंजीनियरिंग डिवाइस बनाते हैं ना हम लोग, इंजीनियरिंग वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे और वो इंस्ट्रूमेंट रोटेट करे, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ये देख के बन रहा था कि तो अगर आप नोटिस करो तो आपके आसपास डेली यूज की जितनी भी चीजें हैं जो आपके
मशीनरी में है, फॉर एग्जाम्पल फैन, व्हील, टायर्स का टायर्स, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, इन सब के अंदर रोटेटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, क्या ये सब अपनी सेंटर के अबाउट ही रोटेट नहीं करते? Yes, sir. ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें आपका मैकेनिकल एफर्ट कम लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे हम, दैट मीन्स कंज्यूमर के लिए बेनिफिट हो गया। अगर आप एक्सेस ऑफ रोटेशन कहीं और बना दोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, यानी कि उतनी ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी वहां रोटेट कराने के लिए आपके। ये सर, फिर ये बताइए सर, सर जैसे हम लोग ने 10th में पढ़ा था कि जो दरवाजे के हैंडल होते हैं वो फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट रखे रहते हैं, तो सर वहां पे सेंटर ऑफ मास वाला कांसेप्ट नहीं रखता वहां पे? नहीं नहीं नहीं, दो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो कांसेप्ट टॉर्क का है। हां सर, वहां पे मतलब टॉर्क सबसे ज्यादा हो जाती है जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हां, तो एफर्ट आपका कम हो जाता है। अच्छा, टॉर्क छोड़ो, आपने कभी, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सुन के बताना, भले रीजनेबल एग्जांपल है लेकिन शायद तुम लोगों ने कभी किया ना हो, या देखा जरूर होगा, किया नहीं होगा तो, कभी आपने फोर व्हीलर का टायर खुलते हुए देखा है कभी? मतलब जो अगर पंचर हो जाए मान लो, उसको बनवाने जाते हो तो चेंज किया है, स्टेपनी चेंज की है कभी आपने, मतलब लगाया है उसमें वो जैक लगा के? अच्छा, तो एक मिनट, उसके जो टायर के चारों नट बोल्ट होते हैं वो खोलने का प्रोसेस क्या होता है? किससे खोलते हो आप? क्या इस, किस मतलब किस टाइप का वो जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हो वो क्या होता है? रिंच। छोटा होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है। हाँ, अगर आप घर, अगर देखो जो गाड़ी के साथ मिलके आता है, जैसे आपके घर में अगर गाड़ी खरीदी जाए तो गाड़ी में पीछे जैक लगा होता है और एक दो आपको रिंच दिए जाते हैं खोलने के लिए टायर, वो छोटे होते हैं, उनसे खोलना टफ होता है। लेकिन अगर आप यही दुकान पे चले जाओ तो वो बड़े बड़े रिंच लेके बैठते हैं। यस सर। क्यों सर? ताकि जहां से हम लोग रोटेट कर रहे हैं बॉडी को, उससे डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाए, जिससे कि फोर्स हमें मिनिमम से मिनिमम लगाना पड़े, इजीली हो जाए रोटेट। हां राइट, कम फोर्स पे ज्यादा टॉर्क, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, अगर ज्यादा दूर से फोर्स लगाओगे तो आपको टॉर्क ज्यादा मिल जाएगी। वो टॉर्क अलग कंसेप्ट है मेरा, क्योंकि यहां पर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेरी करने का ऑप्शन नहीं है। टायर जो नट बोल्ट है वो रोटेट तो अपने सेंटर के अबाउट ही करना है उसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फ्लेक्सिबल करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो फिर आप जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं चेंज कर सकते, वहां पर अपने टॉर्क को चेंज करो। भाई कमरे में एक बार डोर लग गया हिंज, तो अब आप उसे डोर की एक्सिस तो बदल नहीं सकते हो। हमारे पास, अगर हमारे पास एक्सिस बदलने का ऑप्शन होता तो हम एक्सिस बॉडी के उस पॉइंट से पास करते जो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो, क्योंकि तब हमें कम एफर्ट लगती। लेकिन जब हमारे पास बॉडी की एक्सिस पहले से फिक्स हो चुकी है, दरवाजा पहले से फिक्स हो गया, नट बोल्ट फिक्स हो चुका है, तो आप वहां पर टॉर्क वाले कंसेप्ट पे चले जाते हो, कि फिर हम अपने टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स लगाते हैं। अरे बात समझ में? दोनों, ये दोनों कंसेप्ट अलग हैं बच्चा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास चेंज करने का ऑप्शन क्या है, क्या आप टॉर्क बदल सकते हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जितनी मशीनरीज आप यूज कर रहे हो ना, चाहे मिक्सर ग्राइंडर की बात कर लो, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, दरवाजे की बात कर लो, रोटेट करने वाली चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पर एक्सेस एक्चुअल में पहले से लॉक कर दी जाती है, दरवाजे का हिंज पहले से बांध दिया गया है। तो अब आप हिंज खोल के दरवाजे को बीच में तो लगाओगे नहीं, तो आप वहां पर हैंडल से अपना कंप्रोमाइज करते हो, टॉर्क वाला कंसेप्ट लगाते हो। बट अगर मेरे को एक्सेस चूज करने की फ्रीडम दी जाए और फिर पूछा जाए कि बताओ मिनिमम एफर्ट्स कहाँ लगेंगे उसको रोटेट करने में, तो मेरा आंसर होगा ये तब होगा जब आप एक्सेस बॉडी की सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करा के ले जाइए, क्योंकि वहां पर बॉडी का इनर्शिया कम होगा, यानी कि उस बॉडी की रेजिस्टेंस की टेंडेंसी कम होगी, तो हम छोटा सा भी टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी जल्दी रोटेट कर जाएगी। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आउटकम जो बताना चाहते हैं आपको। समझ गए सर। ठीक है, थैंक यू जी। और मैथमेटिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अगर हम बात करें, एक तो फिजिकल मतलब और मैथमेटिकल मतलब इसका जो है वो क्या है, तो वो ये कहता है कि इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, देन विद द हेल्प ऑफ थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अदर एक्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सेस विच वॉज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास।
the two axes has to be parallel. एक और बात आपको बताएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको. एक और मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक हमने देखी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर, जो लोग नॉर्मली कर देते हैं, वो ये कि अगर हम कोई मान लो सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज दैट कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट डिस्क टाइप की चीज लेते हैं कोई, आपको बताते हैं मिस्टेक क्या करते हैं लोग. तो अगर हमने एक डिस्क लिया और हमने इसमें एक एक्सिस इसकी एज से पास करा दी, एक एक्सिस आपने सेंटर ऑफ मास यानी डिस्क के सेंटर से पास कराई और एक एक्सिस सेंटर और एज के बीच में से पास कराई, तीन एक्सिस मैंने पास कराई, ठीक है. तो एक हमारे लिए सेंटर के थ्रू, एक एज के थ्रू और एक कहीं पर बीच में कोई पॉइंट पी ले लिया. हमने कहा जो एक्सिस सेंटर से जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है, जो एक्सिस पी से जा रही है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी है, और जो एज से जा रहा है वो आई ई है. ये सब पैरेलल है. सेंटर और पी वाले के बीच में ए डिस्टेंस है और पी और ई वाले के बीच में बी डिस्टेंस है, मान लेते हैं. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आई ऑफ ई इक्वल टू आई ऑफ पी, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, और प्लस इस बॉडी का मास एम इंटू इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. या फिर हम ये कह सकते हैं कि आई ऑफ पी इक्वल टू आई ऑफ सी प्लस एम और पी और सी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आई ऑफ ई इक्वल टू आई ऑफ सी प्लस एम इंटू दोनों के बीच में ए प्लस बी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आई पी इक्वल टू आई ई प्लस एम इंटू बी स्क्वायर. क्या चीज सही है इसमें से? तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो ये कहती है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें यहां पर एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू जानी चाहिए. मतलब जो दो पैरेलल एक्सिस आप देख रहे हो जिनके बीच में थ्योरम कोई अप्लाई करने जा रहे हो, उनमें ये बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर जानी चाहिए. आप किसी भी दो पैरेलल एक्सिस में थ्योरम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. थ्योरम की एप्लीकेशन तभी हो सकती है जब आउट ऑफ टू पैरेलल एक्सिस वन इज डेफिनेटली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. और जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसमें ऐड करेंगे m into a square को, तो सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सॉल्व होता है. मतलब ये ना तो इसमें जो e और p है ये इन दोनों में से कहीं भी सेंटर ऑफ मास नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन 100% गलत है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी दो पैरेलल लाइन के लिए नहीं है. सेकंड इक्वेशन सही है? यस सर. क्योंकि c क्या है? सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में अगर आप मास और डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड कर देते हो तो ये सही इक्वेशन है. थर्ड वाली भी सही है. चौथी वाली रॉन्ग है. अच्छा, क्या हम ये भी कह सकते हैं, एक और चीज देखो, क्या हम कह सकते हैं कि IC बराबर IP प्लस M into A स्क्वायर? बोलो. नहीं कह सकते ना? नो सर. क्योंकि आपको MA, मतलब M into D स्क्वायर किसमें ऐड करना है? सेंटर ऑफ मास की. बिल्कुल. ट्रॉमा मतलब कुल मिला करके आईसी मिनिमम होता है, ध्यान रखिएगा, तो बाकी सब इससे ज्यादा ही आएंगे. लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है. तो फिफ्थ पांचवी इक्वेशन के हिसाब से तो सेंटर का इनर्शिया बाकी से ज्यादा हो गया. ये सर गलत हो गई. गलत हो गई इक्वेशन. तो ये कुछ पॉइंट्स का केयर कर देना, न्यूमेरिकल करते वक्त लोगों से गलतियां होती हैं कि वो थ्योरम को अच्छे से नहीं समझते हैं और रैंडमली कैसे भी क्वेश्चन को ट्राई करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा आंसर ही नहीं आ रहा. इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मान ले हम क्या करते हैं, दो रॉड है, एक रॉड यहां मान लेते हैं और इसके साथ एक और रॉड अटैच कर देते हैं. दो रॉड आइडेंटिकल रॉड है, मतलब लेंथ वाइज आइडेंटिकल रॉड है. एल लेंथ इसकी भी है, एल लेंथ इसकी भी है, लेकिन एक रॉड हमने
वुडन बनाई है और एक रॉड हमारी आयरन की है, ये दो रॉड मिला दी और एक बार हमने अपनी एक्सिस चूज करी वुडन वाली के एंड से, ऐसे रोटेट किया, हमने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन है। और अगली बार हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब वुडन वाली रॉड को बाहर कर दे रहे हैं और आयरन वाली रॉड अंदर कर दे रहे हैं। ये सब इंजीनियरिंग में यूज होता है यार, और आपके कॉमन लाइफ में भी होता है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं। और दूसरे वाले केस में हमने कह दिया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो आई टू है, मतलब कभी कोई रोटेटिंग चीज बनानी हो ना तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ लगाना चाहिए। और दूसरे वाले में हमने आयरन वाली रॉड को पहले शिफ्ट कर दिया और वुड वाले को बाद में कर दिया, वुडन वाली मटेरियल को बाद में कर दिया, और फिर हमने इसको यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश करी विथ मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई टू, कौन सा ज्यादा होगा? सिस्टम तो वही है, खाली रॉड को अदला बदली कर दी है, क्या हमारे पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्सिया आएंगे और दोनों सेम लेंथ के हैं? तो देखिए बताओ सेम आंसर्स आएंगे या अलग अलग आंसर्स आएंगे? ये बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है आयरन की? अलग अलग आएंगे, मास शिफ्ट हो जाएगा। हाँ डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आयरन की या वुड की? आयरन की। इसका मतलब आयरन जो है वो हैवियर हैवी रॉड है और वुड जो है वो लाइट रॉड है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, लाइट ऑब्जेक्ट में या हैवियर ऑब्जेक्ट में? पार्थ जी एक मिनट से, ये बच्चा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आयरन में होगा और पहले केस में भी सेंटर ऑफ मास आयरन में होगा। तो पहली वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है और दूसरी वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, ये देखो। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि आई वन को लिखोगे ना तो आई वन को क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्लस इस बॉडी का टोटल मास, और मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से वो डी वन डिस्टेंस पे है तो ये डी वन स्क्वायर लिखेंगे। दूसरे केस में हम क्या लिखेंगे आई टू को, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास, और मान लेते हैं कि आप सेंटर ऑफ मास से आप डी टू डिस्टेंस पे हो तो डी टू स्क्वायर, क्योंकि डी वन ज्यादा है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन इज ग्रेटर आई टू। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला प्रेफरेबल है। हाँ तो इसका मतलब अगर कोई रोटेटिंग डिवाइस बनानी हो तो उसका हैवियर पोर्शन आपको एक्सिस के दूर रखना चाहिए कि एक्सिस के पास रखना चाहिए? सर पास में। क्या फायदा होगा उससे, रोटेटिंग बॉडी में हैवियर पोर्शन को एक्सिस के एफर्ट कम लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए। बिल्कुल, तो कभी भी नोटिस करेंगे जब भी कोई चीज रोटेटिंग होती है ना तो उसका जो हैवियर पोर्शन है वो हमेशा हिंज की तरफ होता है और जो लाइटर पोर्शन है वो बाहर की तरफ होता है, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिड्यूस कर जाए, कम टॉर्क में बॉडी रोटेट कर जाए। ये सब फिजिकल मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्सिया के। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गए मोमेंट ऑफ इनर्सिया के डेफिनेशंस, थ्योरम्स, दो थ्योरम बताइए आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया को कैलकुलेट कैसे करोगे, मतलब बॉडीज के केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहां पर एक्सटेंडेड बॉडीज है, एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब होता है कोई रॉड है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिराइव करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं वो बता देते हैं। पहला स्टेप है एक एलिमेंट उसमें से चूज करेंगे, एलिमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा टुकड़ा, ऑब्जेक्ट में से एक छोटा सा पीस चूज करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में से जो छोटा सा पीस आप निकालोगे उस छोटे से पीस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया को फाइंड करेंगे, जिसको हम डीआई लिख रहे हैं। तो डीआई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया उस छोटे से पोर्शन का जो ऑब्जेक्ट में से निकलेगा,
और तीसरे स्टेप पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे डीआई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। मतलब दुनिया के किसी भी बॉडी को आप पीसेस में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एक वायर है, तो उसको आप पीसेस में कैसे डिवाइड करते हो? वायर नहीं समझ में आ रहा अगर आपको, तो आपके घरों में बीन्स की सब्जी बनती है कभी? मतलब अगर वेजिटेरियन हो आप लोग तो तोड़ देते हैं सर बीन्स। तो कैसे कटता है वो? पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स काटते हो, ठीक है। बर्थडे पार्टी में जब पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हो तो उसको पीसेस में कैसे डिवाइड करते हो? किस टाइप के पीसेस में बनाते हो उसको डिवाइड करो? मतलब जो इंडिविजुअल पीसेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकली सर्किल बनते हैं या क्या बनते हैं? वो कैसे काटे जाते हैं? बर्थडे केक काटते हो तो कैसे काटते हो? तो यही चीजें होती है पीसेस को समझने का तरीका, कि एक बॉडी को हम कैसे कट कर सकते हैं, उसको कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, और वो पीसेस क्या होंगे? क्या वो पीसेस पार्टिकल्स होंगे, या वो पीसेस अपने आप में रिंग बनेंगे, या वो पीसेस अपने आप में ट्रायंगल्स बनेंगे? ये मतलब है। तो जिस टाइप का पीस आप निकाल के लाओगे उसी के बारे में कहना है कि बेस्ड ऑन द डायमेंशंस, मतलब टाइप ऑफ द पीस कि वो क्या है, उसके हिसाब से हम डी आई और ये अभी करके भी दिखाते हैं। और यहाँ पर एक और बात कही गई है ये न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि यहाँ पर भी गलतियाँ करते हैं लोग, कि जो एलिमेंट की एलिमेंट आप चूज करोगे वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग और एंड में नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पर एलिमेंट चूज करना होता है, सेकंड नंबर पॉइंट है। अब इसको जरा एक एग्जांपल से करके दिखा दे तब आप समझ जाओगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक पतले से रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया है, मान लो। तो ये रेड कलर से आपको एक रॉड दिखाई गई है, थिन रॉड ऑफ मास एम, लेंथ एल, और ग्रीन कलर से मैंने वो एक्सिस दिखाई है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है, और इनके बीच में थीटा एंगल है। तो हमारा स्टेप नंबर वन ये था, पहला स्टेप था जिस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप निकाल रहे हो उसमें से एक एलिमेंट चूज करेंगे, मतलब उसका एक छोटा सा पीस सेलेक्ट करो आप। तो हमने क्या किया, रॉड में एक छोटा सा टुकड़ा लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये छोटा सा पीस आप कहाँ लोगे? क्या रॉड के बिल्कुल एंड पे ले लें? नो सर। या रॉड के बिल्कुल बीच में ले लें? तो इसी के लिए मना किया मैंने आपको, कि जो आप छोटा सा एलिमेंट चूज करोगे वो कभी भी बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, सेंटर पे नहीं होना चाहिए, वो किसी जनरल लोकेशन पे ले लो आप, किसी जनरल लोकेशन पे। तो जनरल लोकेशन का मतलब ये होता है कि जिस एक्सेस के अबाउट आपको निकालना है उससे, जिस एक्सेस के अबाउट आपको निकालना है ना, हम उससे कुछ डिस्टेंस पे ले लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि हमारी एक्सेस से ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, और ये जो हमने छोटा सा पीस इसमें से निकाला है, इस छोटे से पीस की लेंथ dx है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ताकि आगे से ध्यान रखना, कभी भी स्टार्टिंग में और एंड में और सेंटर पे नहीं लेंगे इसको, स्टार्टिंग एंड इवन सेंटर पे भी नहीं लेंगे, हमेशा किसी आर्बिट्री लोकेशन पे लीजिए इसको। अब स्टेप नंबर टू, di कितना होगा? di का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, मतलब जो छोटा सा पीस आपने सेलेक्ट किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पीस लिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका मास dm है। तो ये जो छोटा सा पीस है ये देखने में क्या होगा, ये पार्टिकल होगा या खुद अपने आप में ये कोई बॉडी होगी? एक पतले पार्टिकल होगा। हाँ, तो सिंस आवर एलिमेंट इज अ पार्टिकल, सिंस आवर एलिमेंट इज अ पार्टिकल, तो di को कैलकुलेट करने के लिए हम पार्टिकल का, पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और पार्टिकल का फॉर्मूला कहता है m into r square। एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अभी आज ही डिफाइन किया गया है, मास into r square करेंगे। तो dm इस पार्टिकल का मास है, और ये पार्टिकल हमारे एक्सिस से कितनी दूर है? नहीं बच्चा, एक्सिस ग्रीन वाली है, और जब आप डिस्टेंस, अच्छा एक बार बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, मैथ में आते हैं, मैथ में एक लाइन ले लो और मैं एक पॉइंट ले लूँ पी, और मैं पूछूँ कि बताओ इस पॉइंट और लाइन में क्या डिस्टेंस है, तो कैसे निकालते हो? क्या आप उस पॉइंट और लाइन को कैसे भी मिला दोगे? क्या ये डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच में? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो बाय डेफिनेशन होता है ना यार, कि एक लाइन और पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे।
तो ये जो dx है ये भी तो पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब ये पॉइंट टाइप ही तो है, तो इस पॉइंट का और ये जो एक्सिस है वो लाइन है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, क्या ये x वाला perpendicular? तो इस पॉइंट से एक्सिस के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आएगी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ आप x देख रहे हो और ये एंगल थीटा, बिल्कुल सही है, x sin थीटा। तो यहां पर हम x sin थीटा का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस का ये मतलब नहीं कि आप x ले लो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस का मतलब वो पॉइंट एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हुआ। अब स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में हमको इसको इंटीग्रेट करना है, बट उस स्टेप से पहले एक काम और करना होगा, एक और स्टेप होगा, डीएम की वैल्यू क्या होगी। तो डीएम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, बॉडी का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और जितनी लेंथ का हमारा पीस है वो डीएक्स है, तो ये हमारे डीएम की वैल्यू होगी। और फाइनल स्टेप जो होगा इसको इंटीग्रेट करने का वो ये होगा कि कैपिटल आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी आई में हम डीएम को रिप्लेस भी करेंगे, तो एम अपॉन एल डीएक्स, और साथ में एक्स साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी होती है कि आप लिमिट्स क्या रखोगे, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। बिल्कुल सही है, क्यों माइनस एल बाई टू ले रहे हो, क्योंकि सर बिल्कुल सेंटर से पास कर रहे हो, दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है और अपोजिट। बिल्कुल सही, तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और जब इसको आगे इवेल्युएट करेंगे तो आई की वैल्यू बनती है एम। मैं एक दो स्टेप ओवर स्टेपिंग कर रहा हूँ, आप अपने आप कर लेना, एक्चुअली एम अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, चेक कर देते हैं, और यह बचेगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स का टर्म, जिसका हाँ बिल्कुल एक्स स्क्वायर डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, और इसकी लिमिट लगा दो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू की। तो इसको फाइनली जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो फाइनल आंसर जो बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया का वो बनेगा 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये इसका फाइनल आंसर आएगा करने के बाद, बस उसमें लिमिट रखनी है। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अब जो हम काम कर रहे हैं ये रिजल्ट्स हैं, मतलब ये हमें एक तरीके से याद भी रखने कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। लेकिन इसको याद करने के साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जब आपने ये डेरिवेशन किया था तो आपने एक्सिस रॉड के कौन से पॉइंट से पास कराई थी, क्या ये रॉड के बिल्कुल एंड पॉइंट से पास कराई थी या रॉड के मिड पॉइंट से पास कराई है, ये कहाँ से ये एक्सिस पास करा रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास थ्रू। हाँ, और ये एक्सिस क्या रॉड के पैरेलल है या रॉड के परपेंडिकुलर है, बहुत सारी से दिख रही है नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रॉड, मैं पूरा वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, अबाउट एन एक्सिस विच इज थ्रू इट्स सेंटर एंड at theta angle with rod is equal to 1 upon 12 ml square sin square theta, rod से theta angle पर ये rod axis है, ये एक तरीके से result है, जानबूझ करके मैंने words के form में लिखा है इसको, कि जब भी तुम्हें याद करना होगा ना, या अपने कोई notes बनाते हो तो उसमें इसी तरीके से लिखना। लोग क्या करते हैं, I equal to 1 by 12 ml square sin square theta लिख करके अपना short notes बनाया, और जब छह महीने बाद उस फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं तो उनको यही नहीं मालूम चल रहा कि ये आई का क्या मतलब है। तो उसको वर्ड्स में लिखो कि आपने जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू है और रॉड से थीटा एंगल पर है, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि हमने एक रॉड ली, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, समझ आएगी इससे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पाओगे इससे। हमने एक एग्जांपल में रॉड लिया और हमने पहली बार जो एक्सिस पास कराई वो इसके सेंटर से कराई, लेकिन इसके 90 डिग्री पर कराई, रॉड की सेंटर से और रॉड के साथ 90 डिग्री एंगल पर हमने एक्सिस ड्रॉ करी, और आपसे पूछा कि बताइए क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा,
और दूसरी बार हमने रॉड की सेंटर से तो एक्सिस ली लेकिन बिल्कुल रॉड से कोइंसाइड करता हुआ लिया, सेकंड टाइम ये एक्सिस चूज कर ली, और तीसरी बार मैंने एक्सिस जो ड्रॉ करी थर्ड टाइम, वो मान लो हमने ये रॉड लिया, एक्सिस हमने ड्रॉ करी इसके सेंटर से, लेकिन लेट से हमने इसके साथ कुछ 30 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बना लिया, फॉर एग्जांपल में 60 डिग्री बना लिया, ये एक्सिस बना ली, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो इन सारे केसेस में हमारी एक्सिस रॉड के सेंटर से जा रही है, इन सारे केसेस में, लेकिन साथ में जो फॉर्मूला है उसमें दो बातें हैं, एक तो वो थ्रू सेंटर ऑफ मास है और दूसरा थीटा एंगल पर है रॉड के साथ। तो पहले वाले एग्जांपल में एक्सिस और रॉड 90 डिग्री पर है, मतलब फर्स्ट एग्जांपल में आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री, और अब आप जनरलाइज रिजल्ट में, जो जनरलाइज रिजल्ट है पार्थ सही आंसर है, उसमें जब थीटा को 90 पुट कर दोगे तो यहां पर आंसर बन जाएगा 1/12 ml². ठीक है, और दूसरे वाले में क्या बनेगा, इसमें एक्सिस और रॉड के बीच कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो जो आपका मेन रिजल्ट है जहां पर साइन स्क्वायर थीटा है उसमें जब थीटा की वैल्यू जीरो कर देंगे तो इसका मतलब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और तीसरे वाले में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो थीटा को हम रख देंगे 60 डिग्री, यानी कि अब हमारे लिए आंसर बन जाएगा 1/12 ml² और साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू। इस तरीके से इसके आंसर आएंगे यार, मतलब एक रॉड की सेंटर से जब एक्सिस जाती है तो आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक्सिस रॉड से कितने एंगल पर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक, अब अगर सेंटर से एक्सिस ना जाए तो एक्सिस रॉड की एंड से चली गई, अब क्या करोगे सर? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लेंगे आप। हाँ बिल्कुल, यही आपको समझाया था कि जब सेंटर वाला निकाल लोगे तो सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंड से जा रही है विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने कैलकुलेट कर लिया है ml² / 12 और प्लस m into, इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर l/2 का स्क्वायर, यानी ये आंसर बन जाएगा ml² / 3। अब समझ गए कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अब किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने को तैयार हैं? यस सर। यस सर। हाँ ये फंडामेंटल yes. बिल्कुल जी, ये फंडामेंटल रिजल्ट आपको याद रखना है, लर्न करना है। अगर ये याद रहा और थ्योरम्स याद रही, एक फंडामेंटल रिजल्ट याद करना है और बाकी जो दो थ्योरम आपको बताई गई है वो दो थ्योरम अगर याद है तो फिर आप इस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए तैयार हो गए, जो भी एक्सिस दे दीजिए उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बच्चा लोग बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने भी सिर्फ रॉड का कराया है आपको, है ना, और थ्योरम्स कराई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आप अच्छे तरीके से पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें डेरिवेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी, और उसके पहले मैं ये भी चाहूंगा कि आप इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करके रखो, या नेक्स्ट क्लास में जब बैठें तो कोई बुक वगैरह लेके बैठो जिसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हों या आपके नोट्स में हों, ताकि हमें टाइम कम लगे समझाने में, ये नेक्स्ट क्लास के लिए है। ठीक है जी। ओके सर।